एक्चुअली ये हाथकरघा मेला है वो स्टेट हैंडलूम एक्सपो है, जो हमारा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उसको एग्जीबिट करने का, डिस्प्ले करने का एक तो प्लेटफॉर्म दे रहा है ये हाथकरघा मेला में। ये हमारा डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स है वो स्पॉन्सर कर रहा है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वेलीडिक्टरी मतलब जो हमारा आज कंक्लूडिंग है, ख़त्म हो रहा है, तो उसको ये कंक्लूडिंग फंक्शन जैसे है उसको, तो हमारा जो अभी जितना भी पार्टिसिपेट किया उसको हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बांट रहा है, उनका जो TADA उनको दे रहा है, और बाकी उनको जो हमें जो भी सपोर्ट हमारा ओर से देना है वो सब हम लोग दे रहे हैं। ओके एंड सर, जो ये स्टेट हैंडलूम एक्सपो है इस साल 2024 का कितना सक्सेसफुल रहा? इस साल एक्चुअली अभी उन्होंने बताया कि मोर देन 20 लाख का बिजनेस किया ये 14 डेज में इन्होंने, तो किसी किसी लोगों का तो मोर देन 2-3 लाख तक का बिक्री हुआ है, तो अच्छा हुआ है इसका। और कितने सारे स्टेट से आए थे अभी सर पार्टिसिपेट? इसमें टोटल आपका बाहर से सब मणिपुर आया, नागालैंड आया, जम्मू एंड कश्मीर से आया, मिजोरम आया, तो आसाम से आया, उसके बाद बाकी तो हमारा अपना यहाँ का स्टेट का ही है जी। और इस तरह के सर एक्सपो में बहुत बड़ा इशू होता है स्पेशली द पब्लिक, उनको उनका ये कहना होता है कि प्राइसेस बहुत हाई होता है सर। हाँ जनरली आप देखिए हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का प्राइस इसलिए हाई होता है कि उसको थोड़ा सा प्रोडक्शन में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है, फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको प्रोडक्ट का प्राइस को मिनिमम में रखना है, सो देट इन फ्यूचर में भी लोग आएगा इस तरह का एक्सपो में आएगा तो थोड़ा प्राइस को कंपेयर करेगा मार्केट से, यहाँ कम मिलता है लोग ज़्यादा आएगा, ये कोशिश रहा है हम लोगों का। लेकिन उसका प्राइस होने का मेन कारण तो वो है कि उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। ओवरऑल दिस एक्सपो वाज अ सक्सेस, वेरी मच सक्सेसफुल, बहुत अच्छा हुआ है एक्सपो, और हम फ्यूचर में और भी करेगा। आपका अभी नवंबर 20 तारीख से आपका नाहरलगन में एक ड्रिल ग्राउंड है, वहाँ कर रहा है इस तरह का। सर मेरा एक सवाल रहेगा, हाँ जी, जो इस इवेंट आज के जो इवेंट का विनर्स जितने भी होंगे, हाँ जी, तो वो इस लेवल से अभी स्टेट लेवल में वो लोग जा रहे, नेशनल लेवल में जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह से उनको मदद किया जाएगा या फिर सारा एक्सपेंसेस उनको खुद उठाना पड़ेगा? नहीं, उनको जैसे नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने से तो उनका पूरा स्पॉन्सर डिपार्टमेंट ही करता है। जैसे अभी राष्ट्रपति नीलायम करके हैदराबाद में आपका ये अक्टूबर महीना से हो रहा है, आपका 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है, तो वहाँ में हम लोग 10 आर्टिसन को बेच रहे हैं, तो उसका फुल्ली स्पॉन्सर्ड हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है उनका साथ टाई अप करके। फिर आपका कोलकाता में आपका ये 31 दिसंबर से एक टू इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर हो रहा है, तो उसका अगर उन लोग पार्टिसिपेट करेगा तो हम लोग डिपार्टमेंट ही स्पॉन्सर करेगा, आना जाना DA एकोमोडेशन सब हम लोग करेंगे। थैंक यू अपना चैनल को, न्यूज़ चैनल को। मेरा नाम जॉन पालेंग, मैं एक आर्टिसन हूँ, स्टेट अवार्डी हूँ, मैं बीट का काम करता है। ओके तो आज हमें पता चला कि आप लोगों के आपके साथ में और भी 9 लोग, जो आप लोग 10 लोग के आप स्टेट लेवल में या फिर हैदराबाद पे आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे स्टेट को जी। तो उससे पहले हम पूछना चाहेंगे कि ये जो आज एक्सपो था ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अब तक? हाँ, उस सिलसिले में सबसे पहले मैं डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को और अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं तहे दिल से आर्टिसियन का थ्रू से हम थैंक्स देना चाहूँगा। हम लोग को ये 1 तारीख से लेकर कल तक होगा, सितंबर का 14 तक हम लोग का ये हाथकरघा स्टेट हैंडलूम एक्सपो करवाया है, तो उन लोग को जितना डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, और पहले डायरेक्टर सर भी बोला आसाम से भी, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट नाइबर्स स्टेट से भी आया है, जम्मू एंड कश्मीर से भी आया है, और बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, और डिपार्टमेंट ने हम लोग को ऐसे जैसे लंच ये सब भी हम लोग को, पानी तक भी हम लोग को अच्छे से प्रोवाइड किया, और डिपार्टमेंट जैसे हम लोग का हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम को लेकर हम लोग को बहुत अच्छे से आर्टिसन लोग को आगे बढ़ने के लिए हम लोग को और ऐसे प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा लगा।
ओके, तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जी। तो आप आज यहाँ इस इवेंट पे जितने 14 डेज अभी इवेंट चला, यहाँ पर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपने सेल किया गया है, आप आगे जाकर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स को आप फिर से दोबारा प्रेजेंट करने जा रहे हैं या फिर अपने तरफ से और भी कुछ नया कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप जा रहे हैं? हाँ, ये प्रोडक्ट्स का बारे में बोलने से हम लोग का ये लोकल एरिया में प्रोडक्ट्स अलग होता है। जैसे आउट ऑफ अरुणाचल हम लोग जाएंगे तो कस्टमर का हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट रेडी करना पड़ता है। जितना भी आर्टिसन है, जितना भी वीवर्स है, वो बाहर का लोग क्या प्रोडक्ट को चाहिए उस हिसाब से हम लोग रेडी करके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ में हम लोग का अरुणाचल का एरिया में यहाँ का प्रोडक्ट फिर अलग होता है, क्योंकि यहाँ का कस्टमर अपना कस्टमर लोकल कस्टमर हो जाता है, तो यहाँ का प्रोडक्ट अलग हो जाता है। बाहर में जो ले जाता है वो थोड़ा सा हद के, जैसे वो फ्यूजन भी हो सकता है, मॉडर्नाइज उसको थोड़ा करता है, तो बाहर का कस्टमर जो पसंद करे उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को रेडी करता है।